आगे रहने, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे उसको समझ में नहीं आई क्वेश्चन, ना क्वेश्चन आसान था, यूं कि उस अचानक से शौक लग गया अपने अंदर कि मैं आई एम जस्ट गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई डोंट नो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है मुझसे, और हमारे देश के लोग क्या आईएएस जरूरी तो नहीं आपको यूपी बिहार एमपी झारखंड राजस्थान ही मिले, साउथ इंडिया मिल सकता है। ऐसे केस का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया, आगे का सारा क्वेश्चन बहुत बेकार तरीके से आंसर किया और उसके 12 नंबर कम आए तो सिलेक्शन से मात्र। लिए कम से कम की वर्ड्स वगैरह, और पढ़ने के लिए आप लोग इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, अंग्रेजी कौन सी बड़ी बात है, कहो कि मैं अंग्रेजों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, बोलो अंग्रेजों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं आईएएस बनने के बाद, तो अंग्रेजों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं अंग्रेजी का। वेरी गुड। नाउ मेरा क्वेश्चन था कि एक टाइम जोन में कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं, इसी में हाँ फिर ठीक ओके। हिसाब से हमने देखा अलग अलग कंडीशंस, जैसे कि सॉल्स्टिस, आयनांत, इक्विनॉक्स, युति, अपसौर, उपसौर, पेरिहिलियन, एपिहिलियन, तब हमने देख लिया ऋतु का परिवर्तन सारा कुछ। अब हम आते हैं अपना एटमॉस्फेयर को पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हम पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, सब कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर। क्या है अभी तक एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर है क्या, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, गॉट इट। बाद हमें पढ़ना क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ द एटमॉस्फेयर ओरिजिनेटेड, ठीक जैसे आप में से कोई भी क्लास में आए जिसको नॉलेज हो, मेरे आने से क्लास में पहले रखा करो, ये जो मैं पहले डिस्कस करता हूँ 5 मिनट, उसके पीछे कारण होता है कि आपको फ्लो मिलाया जाए, सुकून मिलाया जाए, जैसे कि मैं फिर अपनी नई बातें बता सकूँ। द डिस्टर्बेंस इज नॉट गुड, तो पहली क्लास में जो नहीं रखनी चाहिए था ना, तो सब सेटअप रहता। एनीवेज चलो फिर से वापस आओ, कहाँ थे हम लोग, एटमोसफियर क्यों पढ़ते हम लोग, जो हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, पूरे अर्थ का क्लाइमेट इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक उसी तरीके से जैसे अदर प्लैनेट पे। फॉर एग्जांपल हमने कहा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यस है ना, ये प्लैनेट है साथ हैं, एक का ब्रेकफास्ट कर गया हनुमान जी की तरह, 8 है ना, हो सकता है कभी भी इसको फिर 9 कह दिया जाए। अच्छा एज पर हिंदू फिलोसफी कितने हैं, हाँ तो ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए कितने हैं 9। ये देखोगे इंडिया के कई सारे एरिया में नवग्रह टेम्पल मिलेंगे आप, मीन्स नवग्रह हैं। अब अलग बात है कि हमने उसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया, डेफिनेशन चेंज कर दिया, सुनाओ आप कितना है, 8। जो सबके सब प्लेनेट है, हर किसी के पास अपना एटमोसफियर होगा ऑलमोस्ट, जरूरी नहीं, जैसे कि मरकरी के पास एटमोसफियर नहीं है। मान लो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ या मेंस में क्वेश्चन पूछते कि वाई देर इज नो एटमोसफेयर एट मरकरी, का अपना कोई वातावरण नहीं है, ऐसा क्यों, हाँ बिल्कुल। जैसे मान लिया हमने कि ये सन है और माना कि ये वीनस है, वीनस नहीं मरकरी बुध, ये सबसे करीब है सूर्य के, ये करीब होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा पृथ्वी की गैस ज़्यादा है, ऊपर जाते तो गैस कम मिलता है, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी, ये बात समझ में आई। तो अगर मान लो ये भी है और ये भी है, इसकी ग्रेविटी ना के बराबर इसके सामने, ये गैसेज होगा वायुमंडल में कहाँ भाग जाएगा, यहाँ पे तो कोई एटमोसफियर नहीं, और इसके एटमोसफियर नहीं होने से यहाँ पे किस तरह की घटनाएं घटती हैं ये बात समझ में आ जाएगी, तो अर्थ का एटमोसफियर समझना और आसान हो जाएगा। जैसे दिन के समय में जब दिन होगा मरकरी पे एक हिस्से में, वहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा एक्सट्रीम तक, ठीक है,
ना तो कोई ओजोन लेयर है, एटमोसफेयर ही नहीं, तो लेयर कहाँ से होगा ओजोन का? ओजोन किसका पार्ट है? हमारे एटमोसफेयर का पार्ट है। तो कोई भी डायरेक्ट इस सारा का सारा सोलर एनर्जी रेडिएशन, और भी करीब है तो और ज़्यादा रेडिएशन, पूरा गर्म हो जाएगा, और अपोजिट साइड में एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा। मीन्स एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर विल एग्जिस्ट एट द सर्फेस ऑफ मरकरी। तो लाइफ पॉसिबल हो पाएगा? का मतलब देखो, एटमोसफेयर का डायरेक्ट रिलेशन लाइफ के साथ भी है। दूसरे बात की अगर पूछा जाए तो आपसे, वहाँ पे पानी एग्जिस्ट कर सकता है बिना गए बताओ? अभी तक तो कोई गया नहीं, नासा ने नहीं भेजा, हमने नहीं भेजा, खुद से बताओ ना, पानी होना चाहिए यहाँ पे? कोई नहीं सकता, बिकॉज इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट, और एवोपरेट भी हो गया होगा तो इसके वातावरण में तो होगा नहीं, वो तो सूर्य के पास चला गया। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर। इसके लिए हमें प्रोब भेजने की जरूरत है क्या? देखो कहाँ कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, बट भेजा क्या हमने इसके पास प्रोब अपना? नहीं भेजा, बिकॉज वी नो हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, पानी यहाँ पे हो ही नहीं सकता। इसकी बात समझ में आई? चलो इससे आगे आते हैं हम लोग विनस। आगे विनस है ना? अब विनस में एटमोसफेयर है नहीं, और ना है या रेयर है, लाइटर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, डेंसर है, सिर्फ डेंस है, क्लियर है? और उसके एटमॉस्फेयर में, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, वैसे ही विनस के एटमॉस्फेयर में फिर बोलते हैं 95% प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा आपने सुना है होगा एक वर्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है नहीं? ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? इनटू सिक्स ग्रीन हाउस सिर्फ सिर्फ पृथ्वी पे होंगे? वैसा आंसर करो, हर जगह एलिमेंट हो। एटमॉस्फेयर को गर्म करने वाला, मतलब जो हीट को ट्रैप कर ले, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब था कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, थोड़ा साइंसिफिक है वो, कि नॉट इनकमिंग, आउटगोइंग की बात कर रहे थे, है ना? समझ गया मैं, बस टोकता इसलिए हूँ कि आप लोग जब अगली बार आंसर करो धीरे सही शब्दों का चयन करो, बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर। नो वन कैन से, नो वन कैन से दैट यू आर रॉन्ग, आपको ये ना कहे कि आप गलत हो, चाहे उसमें कोई कमियां हैं, ठीक है? गुड। और आंसर करने का फायदा ये होता है कि धीरे से आपका आंसर बहुत बेहतर होता चला जाता है समय के साथ। हम बात कर रहे थे ग्रीन हाउस की, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अभी के लिए इतना समझो कि हाउस की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और 95% जहाँ पे हाउस ही हो वहाँ का टेम्परेचर कैसा? And that is why Venus is the hottest planet in a solar system. सोलर परिवार की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी होंगे ग्रह नक्षत्र ग्रह वो सबसे गर्म होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ तक पहुँच ही पाए अभी तक, हम सिर्फ अपने सौर्य परिवार की बात कर रहे हैं, हम 8 ग्रह या फिर 9 ग्रह की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा आता है हमारा? चलो इसका एक और आंसर करें। जब हॉटेस्ट है बहुत ज़्यादा, कहना चाहते हो कि हवा उड़ जाए आकाश में ही, कहना चाह रहे हो ना? हाँ ठीक। गैसेस भी होती हैं भारी हल्का, हाइड्रोजन हीलियम बहुत लाइट है, और ये उसके कंपेरिजन में क्या है, हेवी है। और वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है हमारी तरह नहीं है, जो बैलेंस्ड होता है। बस इतना ही समझना है कि वहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वजह से क्या होता है टेम्परेचर होता है। हर जगह टेम्परेचर एक्सट्रीम हो वहाँ पे प्रेशर वैसे तो ओपन सिस्टम में लो ही रहेगा। ओके विल कम ऑन दिस पॉइंट अगेन, की बात समझ में आई? अब आते हैं हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, बड़ी अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें सबसे गैसेस कहाँ होंगी? कार्बन मंडल सबसे, कहने का मतलब है कि पृथ्वी के करीब जब रहोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, और क्या होगा, गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी। बात समझ में, गैसेस ऊपर की ओर जाएंगे कम होता जाएगा गैस, सारा कुछ ठीक है।
अब हमने कहा बताना कि ये आखिर जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं आए कहाँ से, क्या शुरू से ही थे? शुरू में क्या था जब बना तो आग का गोला था, जैसे सारे स्टार्स प्लेनेट में होते हैं इनिशियल स्टेज में, क्या हाइड्रोजन एंड हीलियम समय के साथ ठंडा हुआ होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी लगातार हो रहा है, तो मेनली तीन गैस का नाम बताओ जो लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 एंड वाटर वेपर। H2 को बोलोगे तो उसमें छोड़ देना इन वेपर फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म, ठीक है, इन मेजरली उसमें से बाहर निकले, और भी गैसेस निकला लेकिन ये मेजर थे, जैसे CO2 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन इसकी मात्रा इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बारिश होना शुरू हुआ, H2O ऊपर गया, बारिश हुआ, और CO2 की अपनी एक खासियत होती है, घुलनशील होता है, कैसा होता है, पानी में घुल जाता है, जैसे जैसे ओशन बढ़ता जाएगा, बारिश बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका मात्रा कम होता जाएगा। जब कीचड़ों में पहली बार कोई ब्लू ग्रीन एल्गी पैदा होगा, कई तरह के प्रोकैरियोटिक क्या होंगे, बैक्टीरिया वगैरह लाइफ पैदा होगा, तो उनका बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, साथ साथ में जब 2% हो जाएगा तो क्रिएचर्स जो एरोबिक होंगे, जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऐसे ऐसे भी जीव जंतु हो जाएंगे। फिर समय के साथ पेड़ पौधे विकसित होंगे, मैं क्लियर है, जब पेड़ पौधे विकसित होंगे तो पेड़ पौधों का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, और कंज्यूम क्या करते हैं, शुरू में तो एक भी पेड़ नहीं था, उसके बाद आप यूँ मान के चलो कि 90% ऑफ अर्थ में क्या होगा, पेड़ ही पेड़, हम तो इंसान थे नहीं काटने के लिए उस वक्त। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सी मात्रा कम होती जाएगी, जैसे एक समय था जो अभी से करीब, समय पता है क्या था, ओशन वाटर का लेवल 14 to 15 मीटर और ऊंचा था, मतलब पानी और ज़्यादा रहा होगा, कई सारे साइकिल में बना है पृथ्वी, हम लोग देखेंगे कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक चेंज होते हैं उसका समय माप क्या है, तो नहीं मिलेगा पढ़ने का आपको, समय माप मतलब एक होता है दैनिक, मतलब एक तो घंटे घंटे बदलता है, एक दैनिक, एक वाइज बदलता है ना, ईयर वाइज, दशक, सेंचुरी, एंड देन हम लोग काउंट कर रहे होते हैं, ये सेंचुरीज वगैरह में काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या उम्र, तो कई एक बिलियन ईयर्स है, तो कई बार सुना होगा नाम आइस एज, आना जाना आना जाना, वो ऐसे भी चेंज रहे होंगे, का एविडेंस हमारे पास पूरी तरह से नहीं है, बट वी आर स्टिल स्टडिंग दैट, बट इट, तो हमारा इस तरह से क्या बन गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि कुछ गैसेस हैं क्या हैं जो फिक्स मात्रा में हैं, का मात्रा सेम है हर जगह, और कुछ है जो वेरिएबल है, जैसे सेम की जब आप बात की जाएगी, ज़्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, जो भी गैसेज हैं ये सब फिक्स मानी जाती हैं, लेकिन साथ ही देखते हैं कि कुछ ऐसे गैसेज हैं जो वेरिएबल इन नेचर है, यानी जैसे डस्ट पार्टिकल की बात की जाए तो रोड पे धूल ज़्यादा, कमरे में कम, जहाँ पे आग लगी हो, होलिका जलाई जा रही हूँ, वहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा, चूल्हे पे खाना बन रहा हो, या फिर यूँ कह दो कि दीपावली हो, CO2 की मात्रा ज़्यादा, दिल्ली में ज़्यादा, आसपास के एरिया में कम, मतलब कि इट अमाउंट कैन वेरी समवेयर, थोड़ा बहुत। वाटर वेपर की बात करूँ तो अस्थिर है, जैसे कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम। अच्छा बताओ, पोलर एरिया वर्सेस इक्वेटर एरिया, इक्वेटर में ज़्यादा, पोलर में कम, ये हर किसी को समझ में आया क्यों, कैसे? समझ में आ गया कि हर किसी को पता है, खुद बात है, वैसे पूछो ठंड के मौसम में नमी ज़्यादा होती है कम होती है, श्योर हो? और गर्मी में क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गर्म हवाओं का वाटर ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा होती है और ठंडी का कम, और इसीलिए हमारे चेहरे, हाथ पैर सब वाइट होने लगते हैं, तो हमें मॉइस्चर लगाना पड़ता है, बिकॉज क्लियर है ना, और इसी से बिजनेस चलता है किसका, मॉइस्चराइजर कंपनीज का, जैसे वैसलीन एंड सो ऑन, बता देना आगे प्रेजेंटेशन।
से हमने देख लिया। अब एक चीज और देखते हैं, जब एटमॉस्फेयर से जैसे से ऊपर जाते हो, एक समय तक तो तुम्हें सारे गैसेस का कॉम्पोजिशन समवर्ट से मिलता है, तो बोलेंगे होमोजेनियस कह सकते हैं। होमो मतलब सेम, समान। जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, सबकी मात्रा समवर्ट सेम होगी। कहीं से भी एयर लो 1 लीटर, सब में 78%, 21%, 0.93%, 0.035% ही है हमारा। लेकिन एक समय के बाद, एक ऊंचाई के बाद ऊपर जाओगे, फिर ये होमोजिनिटी देखने को नहीं मिलेगा, समानता देखने को नहीं मिलेगा, तो बोल देंगे हेट्रोजिनिटी। विषम मंडल, ये वाले को सम मंडल, मतलब सब में सम है, समान है, ऊपर वाले को विषम मंडल कह सकते हैं। एक तो हम इस आधार पे डिसाइड करते हैं हमारा लेयर्स ऑफ एटमोसफियर कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मिश्रण के आधार पे। जब जब तक सेम रहेगा तो क्या बोलेंगे, होमोजेनस। और पर जैसे मान लो कि आपके क्लास में कोई स्टूडेंट हो, यूपीएससी के सारा सब्जेक्ट भी इक्वली कमांड हो, होमो या हेट्रो, बट अलग अलग ज्योग्राफी मान लो ज़्यादा समझ में आती है, इकोनॉमी कम समझ में आती है, रेशियो कम हो गया ना सबका समझ का अपना अपना, यू आर होमो और हेट्रो, गलती से भी कहीं इतना कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर मत करना, बोलो कि कंप्लीट योर सेंटेंस, नहीं समझे, गुड। तो आते हैं हम लोग वापस, ये हो चुका है। हिंदी वाला किसी को पिक्चर लेना है तो जल्दी करो, फास्ट, जितना कल हुआ था वहां तक पहुंचना है, सिर्फ पिक्चर लेना आपको, एंड आफ्टर विल मूव अहेड। फेज वन, हाइड्रोजन एंड हीलियम नहीं हुआ था, देन स्टेज टू, वाटर वेपर, CO2 एंड NH3, देन आपकी तरह, आप सब युवा ही हैं, एज वेल, नेवर एवर काउंट योर सेल्फ एज बूढ़ा, हाउ एवर ऑलवेज पूछा जाता है कि हाउ ओल्ड यू आर, अंग्रेजी लैंग्वेज ऐसी है। देन थ्री, इधर क्या हुआ, ऑल दोज व्हाट एवर वी सी टुडे, ऑब्जर्व टुडे, वो हमारा आ गया सारा का सारा गैसेस। आप बोलो कि नाइट्रोजन कहाँ से आ गया, हाँ हीलियम था, हाँ हाँ वो तो गर्म था तो भी गायब हो गया फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में था ही नहीं हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। मैंने पूछा नाइट्रोजन कहाँ से आ गया, फिर ऑक्सीजन तो मैंने बताया था आप लोगों को, फेज टू में क्या निकला है, और NH3, बात समझ में आई, और O3 कैसे बना, ओजोन लेयर, सबको आता है ना, हो गए हो चुका था यहाँ तक, नहीं हुआ ले लो पिक्चर, देन आफ्टर में भी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से पकड़ हो रही है यहाँ पे, कोशिश करना कभी और भी बच्चे मिलते होंगे दूसरे संस्थान के, आपको देखना, आपको ऐसा तो नहीं है कि उनको ज़्यादा आता हो, अपना वाला छिपा के रखना कि व्हाट यू नो, डोंट सो दैट आई नो दिस।
ये पता है कब तक? बस एग्जाम निकलने तक। ये अगला 10 डेज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग अभी। जो मैंने बताया था थोड़ा सा ध्यान रखो, मैंने कहा था कि आपको आर्कटिक एंटार्कटिक में कई 1,000 साल करोड़ों साल पहले के मिले हैं, अरबों साल पहले के, क्या आइस क्यूब, आइस आइसबर्ग में, वहाँ पे आयरन का कौन सा रूप मिला है जो कि ऑक्साइज ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, मतलब उस वक्त ऑक्सीजन नहीं था। स्पष्ट है, पहले ऑक्सीजन आपसे इंटरव्यू में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते, जैसे सपोज व्हाट वुड हैपन इफ देर इज ओनली 1% ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, आंसर पर क्या होगा? लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगा, और क्या होगा? लाइक वी नो दैट द फायर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फायर बर्निंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, और 25-30% हो जाए तो पानी में आग लगा देंगे सब लोग। अच्छा ये बताओ, आज आपको पानी में आग लगानी हो, दिखाना हो सबको डेमो, तो क्या करोगे? इनको पूछ रहा हूँ। हाँ वो बता दो। हाँ वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए नाउ। हाँ वही। अच्छा ये बताओ, पानी में आग कैसे लगा सकते हो? केरोसिन डाल के आग लगा पानी में, अच्छा ऊपर वाले सरफेस जले। कोई मटेरियल का नाम बताओ जिसको तुम पानी में डालते ही, तुम सोडियम मत बनना कभी, पानी बनो, आग बुझाने वाला, आग लगाना है सिर्फ अंदर लगाना। हो गया इतना? ये कुछ अतिरिक्त जानकारी है, सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है, चाहिए ले ले। ये स्टोरी फॉर्म में है, आपको हमेशा हेल्प करेगा। मान लो कि मेरी बातें भूल जाए, जो मैं बताया हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे में लिखने को नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट के लिए हेल्पफुल। ठीक है, तो कोई बता रहा ना कि पहले 2%, धीरे धीरे 21% तक कैसे पहुँचा कहानी। वॉट इज एटमोसफियर नाउ? ब्लैंकेट ऑफ हो गया सब। तीन चीज़ें हैं, गैस, वाष्प, कण। वॉल्केनिज्म में पढ़ा था हमने, तीन चीज़ें निकलती हैं, कौन कौन? गैस, लावा और एसिड। सिंस वो था विखंडित, डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल, लावा, डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल, गैसेज एंड डस्ट, एसिड। साइज याद है ना? तो आपका साइज खराब कर दूंगा। ये नो एसी याद रहेगा, बस चार याद रख, नो एसी, 78, 21। अच्छा 0.034, 0.035 दोनों डेटा मिलेगा। जनरली अभी के प्रेजेंट टाइम में CO2 की मात्रा बढ़ रही, घट रही है? बढ़ रही है, ध्यान रखना है, क्योंकि उसका सिंक कम हो गया है। और तो वैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग में CO2 का कितना परसेंट रोल होगा? कैपेसिटी कम है और क्षमता ज़्यादा है। ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी कंसंट्रेशन, मात्रा कम है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसका क्षमता ज़्यादा है। मीथेन की? हाँ तो मीथेन की बता रहे हैं वो। CO2 की बात करोगे तो लगभग 72, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन किसका है? 72%। सेकेंड रैंक किसका है? कार्बन में से बहुत कम है, मीथेन ही है, चौथा स्थान है उसका, बता रहे हो। एनीवेज लिखो मत, आगे दिया है मैंने ऑलरेडी।
इतने समझ में आ गया? हिंदी वालों को भी चाहिए कुछ? नहीं हिंदी नाम मुख्य है, ये गौण है। रियली प्राइमरी सेकेंडरी? गलती से भी नहीं, आगे पढ़ना है पॉलिटिक्स प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब प्राइमरी है, सेकेंडरी कोई नहीं है इसमें। वो डिस्कस करेंगे अलग से इन्वायरमेंट क्लास में, अगर आप जहाँ ही पढ़ोगे वहाँ डिस्कस करना। डन, क्या बोल रहे हो? नहीं, मेजर माइनर नहीं है, कहने का मतलब माइनर इसको थोड़ी बोलेंगे। वैसे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन माइनर आ सकता है, कहने का मतलब ये है कि ये मेजर हैं जो ज़्यादा मात्रा में 99%। इसको माइनर शब्द का प्रयोग हमेशा साइज के, हाँ नहीं है, जो कम मात्रा में है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यू हैविंग 0.0, 0.99%। तो वाइल वीनस इज टू वार्म एंड मार्स इज टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर, द अर्थ इज एट जस्ट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द वाटर वॉज एबल टू फॉर्म इन ऑल द फॉर्म्स, वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस, आइस वाटर और वाटर वेपर। कह रहे हैं ध्यान से देख लो, क्या पूछा है, किसके बारे में? वीनस बहुत गर्म है और मार्स बहुत ठंडा है, ऐसे केसेस में लिक्विड पानी तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या क्लियर है? जैसे जहाँ बहुत ठंडा है वहाँ पे क्या मिल सकता है? आइसी। और जहाँ बहुत गर्म है वहाँ पे क्या मिल सकता है? वाटर वेपर मिल सकते हैं। ये बात समझ में आई? अगला लाइन पढ़ो। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, इट टू वॉज रिमूव्ड स्लोली फ्रॉम द एटमोसफियर, लिविंग द रिलेटिवली स्कार्स बट अनरिएक्टिव नाइट्रोजन टू बिल्ड अप द 78% विच इज होल्ड टूडे। क्या हुआ? है ना, बोलो बोलो। अरे बोलो, कोई कन्फ्यूजन है तो। पहले डिस्कस किया है पानी, पानी छोड़ो, नाइट्रोजन कितना है? 78%। जैसे शुरू में ज़्यादा क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तो था ही नहीं, NH3 धीरे धीरे ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन बना। और CO2 की मात्रा जैसे जैसे कम होती गई, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या है? बढ़ता गया। जैसे मान लो कि आपके पास 5 आम हो और मान लिया 5 इमली हो, ठीक है, हमने 3 आम ले लिए आपस आपसे, पहले 50-50% था, अब आम ज़्यादा हो गया ना, अगर इमली ज़्यादा, क्या बोला मैंने, बोला इमली ज़्यादा हो गया, तो इमली कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, कैलकुलेट करोगे तो क्यों 7 रहे, 7 में से 5 क्या हो गया आपके पास? इमली, वही आम बच्चे। ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पे, CO2 कम होता जा रहा है और नाइट्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ता जा रहा है। क्लियर इतना? अभी लोगों का अप्रोच होता है हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढ, नहीं इनका नहीं है, नेगेटिव अप्रोच होना अलग होता है, गलत पकड़ना सही पकड़ना अलग बात है वो। लेकिन अगर एटीट्यूड नेगेटिव हो गई, ऐसे डूबोगे पाताल लोक में, ढूंढने से भी नहीं मिलोगे अपनी जिंदगी पाओगे। पॉजिटिव रहो, फिर से कह रहा हूँ, हिंदी में कुछ अतिरिक्त जानकारी है, जिनको चाहिए ले लो, हिंदी में कुछ अतिरिक्त जानकारी है। हाँ जी, कोई लॉ पास नहीं करनी है पार्लियामेंट, तो कैसे मापते हैं हम लोग जो 78% हम लोग कह रहे हैं? पार्ट्स पर मिनट का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर 1000 क्यों नहीं, पार्ट्स पर 100 क्यों नहीं, पार्ट्स पर 10 क्यों नहीं? अगर मात्रा ज़्यादा हो पार्ट्स पर 10 कर लेंगे, थोड़ा कम हो तो पार्ट्स पर 100 कर लेंगे, और भी कम हो तो पार्ट्स पर 1000 कर लेंगे, इससे भी ज़्यादा कम हो तो पार्ट्स पर मिलियन कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि नमक की मात्रा हम जब पढ़ते हैं, सैलिनिटी पढ़ते हैं, तो पार्ट्स पर
थाउजेंड की बात करते हैं, कि अगर 1000 अणु ले लेते हैं हम लोग, कितना अणु, 1 kg पानी निकाल लेते हैं हम लोग समुद्र का, तो उसमें से कितना kg नमक निकले, बात समझ में आई। तरीके से जब यहाँ पे हम लोग लगभग 2800 अणुओं को जब हम देते हैं एयर का, उसमें से कितना CO2 मिलता है, मात्र 35, 1.05 है ना, मात्र 35, बात समझ में आई। 35 नहीं, 1 out of 2800, वो कैलकुलेशन करने से आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो साफ साफ बता रहा है आपको कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 350 ppm इन द एटमोसफियर। क्या मतलब हुआ, 1 million अगर हिस्सा कर दो, एक एयर लो उसका 1 million हिस्सा 10 लाख भाग में डिवाइड कर दोगे, इससे कितना आएगा, वो 350 बस। फिर हो गया समझ में आ गया, आगे बढ़ूँ, नीचे में एक्सप्लेन भी कर दिया उसको समझाने के लिए। अब यहाँ पे एक चार्ट है और इधर कुछ इन्फॉर्मेशन जो बताया 2800 में कितने होंगे, ओनली 350 ppm CO2 का अर्थ है कि वायुमंडल के हर एक 2800 अणु केवल एक अणु CO2, वो क्या दिखा रहा है वहां पे देखना, बिलियंस ऑफ ईयर्स क्या है, प्रेजेंट एटमोस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन 20%। वैसे 20.95% ऑक्सीजन है हमारा, लेकिन 21% धीरे धीरे बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है घटी है, धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ के कहाँ पहुँच गई, 20 तक। शुरू में क्या था, कोई पूछ दे कि लाइफ पृथ्वी पे कब शुरू हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा कितने होने के बाद, नहीं नहीं टाइम नहीं पूछेगा वो, टाइम तो किसी को भी नहीं पता है। ऐसे जब ऑक्सीजन की मात्रा 2% जीव जंतु पनपने, डन। अब ये जो जीव जंतु पनपे, खासकर पेड़ पौधे आए, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आपको आता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या होता है, प्लस प्लस सनलाइट, फिर ग्लूकोज बनाएंगे और कुछ बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, ये ठीक है ना। जैसे आप लोग की पढ़ाई, आपका परिश्रम, आपका आना, जितना सब परेशानियां जो झेल रहे हो, तो आपस में एक सही सनलाइट मतलब टीचर्स का अच्छा गाइडेंस के प्रभाव में रिएक्शन हो रहा है आपके अंदर, बन जाओगे IAS, तो बाई प्रोडक्ट भी होगा, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, करप्शन भी हो सकता था, स्कूल कॉलेज बन सकते थे। होप कि कुछ ऐसा ही आप लोगों का भी सिंथेसिस हो रहा है, फोटो नहीं स्टडी, डन इतना। और ये फॉर्मूला याद है हर किसी को, बैलेंस याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्या है, यहाँ पे पेड़ का होना काफ़ी नहीं है, उस पेड़ के पत्तों में क्लोरोफिल होना भी, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स। अब इसमें अलग से आप लोग बायो का हिस्सा है पढ़ लेना थोड़ा सा, राव जो सर आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल में, इससे मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, तरह के आप लोग वहाँ एंजॉय करना रियली वेल। पत्तों में कितनी क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब बहुत ज़्यादा हीट होगा, बहुत ज़्यादा होगा क्या, बहुत कम होगा तब भी होगा क्या, 100% सब डिटेल डिस्कशन, अगर मैं घुसूंगा ना बहुत लंबा चला जाएगा, हो गया इतना। हाँ देख लेना, तो ओजोन हमने कहा था पढ़ के आने के लिए आप लोगों को, क्योंकि याद दिलाने कहा था, मैंने कहा था एटमोस्फेरिक गैसेस, ओजोन नहीं है उसमें, पढ़ के हो, पढ़ के हो ना, नहीं है तो फिर मैं पढ़ाने का फायदा नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, तो अच्छी बात है, तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है, पढ़ चुके हो तो। चलो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ओजोन बता चुका हूँ क्या है, कैसे बनता है, O2 ब्रेक कर जाए, मान लो
तो ओ प्लस ओ माइनस ऐसे हो जाएगा, ओ ओ में ऑलरेडी ओ टू है, उसे कंबाइन कर जाए ओ थ्री बन जाएगा। ये क्लियर इतना? अच्छा, जो ओजोन है ये उतनी ऊंचाई पे क्यों है? वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक कंडीशन बनता है ओ टू का ब्रेक होना, मेनली 90% वहीं बनते, कितना? ओजोन लेयर में। लेकिन 10% तो हमारे लोअर एटमोसफेयर में हो जाता है, तो उसका क्या घाटा होगा हमें, नुकसान? ओजोन गैस इज गुड और बैड फॉर हेल्थ, ये पता है ना हर किसी को। कुछ क्रॉप्स के लिए भी खतरनाक है ये, और ये हीट ज़्यादा करता है। बात समझ में आ गई? 10% नीचे तो कोई बोल देगा फोटो वोल्टेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या मतलब हुआ? ऐसे ऑर्गेनिक सनलाइट में ही ऑपरेट हो जाते हैं, और इस तरह के लाइट जो कंपाउंड जो एवोपरेट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट में, उससे जो गैस बनती है क्या अलावा इंडस्ट्री से है ना, वहाँ पे बहुत हीटअप करते हैं हम खुद ही, वीरेज के बजाय हम खुद ही इंडस्ट्री में हीटअप किए जा रहे हैं उसको। ऑक्सीजन ब्रेक हो सकता है, ऑक्सीजन से मिलकर ओ थ्री बना सकता है, ये भी क्लियर? ये हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, बस एक समझा दिया आपको। ओजोन, ओजोन की मात्रा बहुत ही कम है, ना मात्रा ना के बराबर, लेकिन 90% कहाँ है? ओजोन लेयर में। और उसका फायदा क्या हमें? ओजोन लेयर एक ग्रीन हाउस गैस, क्या है? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है? हीट को ट्रैप कर लेना। ये एक ऐसा है ग्रीन हाउस गैस जो इनकमिंग रेडिएशन को ही ट्रैप कर लेता है। ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? आउट गोइंग को करते हैं। जो पृथ्वी आए गर्म हो गया, और गर्मी ही हो गया पृथ्वी, इससे जो हीट निकलती है ना, उसको ट्रैप करते हैं। और ओजोन क्या करता है? कर लिया। इसके अलावा बता सकते हो, वैसे आने वाले को ट्रैप करने के नाम में एक ही गैस का नाम लिया जाता है पूरी तरह से, इसका नाम पता है क्या है? कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो कमिंग एंड आउट गोइंग दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता हो? ओनली वन, चार हो गया, और बताओ। बहुत सुंदर, स्मार्ट गर्ल। क्या फोर ऑप्शन? आंसर है वाटर वेपर। ये बहुत खतरनाक होता है ये, इट कैन ट्रैप बोथ इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन, ये हीटअप बहुत ज़्यादा करता है। और बताओ, जो हमारा इक्वेटोरियल क्षेत्र है, गर्म है कि ठंडा? वाटर वेपर ज़्यादा या कम? इस तरह से तुमने बताया कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? प्योर ऑक्सीजन की? वेरी गुड। ऑर्गन 0.93, सबको याद है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इट्स वेरिएबल, नॉट कॉन्स्टेंट, सो यू कैन नॉट आंसर लाइक दिस। यू कैन से फ्रॉम 0 to 4%, कितना? ये IAS का क्वेश्चन है। अब बताओ 4% कहाँ पे होगा? ओजोन परत पे वाटर वेपर होगा, इक्वेटर, ठीक है? इक्वेटर के पास में क्या होगा? 4% के आसपास। जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, इन जनरल कम होता जाएगा। इन जनरल मतलब प्रायः, जरूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल हर जगह ऐसा ही फॉलो करें, लेकिन प्रायः क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या क्लियर? तो कम होता जाएगा मैं कह रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि सियाचिन ग्लेशियर में कुछ बॉडी मिले 2-2 साल पुराने, तो एज इट इज थे, एज इट इज थे। अगर वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होता तो नहीं होता। जहाँ कहीं भी मॉइस्चर होता है, वहाँ पे अपने आप पैथोजिन बैक्टीरिया ये का अटैक होना शुरू हो जाता है। एनीवेज, अब जैसे आपने चार गैस का नाम पता था, पांचवा वाटर वेपर समझ में आया, ठीक है? ओजोन की हम बात कर रहे थे अभी। ओजोन कैसे बना, आइडिया लगा? ये खास इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये यूवी रेज को ट्रैप कर लेता है। सिर्फ यूवी रेज को नहीं, और भी सोलर रेडिएशन जो हायर एनर्जी वाले होते हैं उनको ट्रैप कर देता हूँ। क्लियर इतना? बस इससे ज़्यादा मत पढ़ो अभी। कहाँ पे होता है ये?
दस से पचास, 12 से 50 ऐसे डेटा मिलेंगे, घबराना नहीं है। कहीं 10, कहीं 12, कहीं 18 के ऊपर होगा, कहीं 20 के ऊपर होगा, लेकिन जनरली 50 किलोमीटर तक मिलता है, कहीं कहीं 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी मिल जाता है। बट एक एवरेज डेटा याद रखो कि हाँ ये कुछ रेंज है 10 से 50। ठीक है, इतना आगे बढ़ूँ। यहाँ पे ओजोन है तो अपर एटमोसफेयर में, गुड। नीचे है तो आप लोगों के एज एक्सपायर होने से पहले अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो उसके बाद पढ़ाई बैड कभी नहीं होती। तो ज्ञान दे रहे होगे, एग्जाम एज खत्म होती बस थोड़ी जाओगे, बहुत कुछ देखना है अभी, इतना अच्छे इंसान थोड़ी हो जाओगे, सब झेल के जाना है। ये समझ में आया? जरूरत ही नहीं है केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा। अब तुम्हें सर आ रहे हैं, मुझे पता है वो नहीं होते तो मैं जरूर पढ़ाता। राम कृष्ण सर आ रहे हैं, वेरी गुड, टाइम लगेगा हमारा। केमिकल रिएक्शन बताने के लिए बैठा हूँ मैं, ओजोन काफ़ी है समझ लो। इसमें क्या है, देखो HNO3 जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन यहाँ से O3 रिलीज कर लो, हर तरह यहाँ पे सिंपल। ऊपर कैसे बनता है, यूवी रेज का अटैक आया O3 ब्रेक हुआ। नीचे कैसे बनता है, इंडस्ट्री से, हाई टेम्परेचर से, फोटोवोल्टेइक ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, बहुत नोट भी नहीं किया मैंने। आगे वाटर वेपर, क्लियर हो गया ना? अगर वाटर वेपर ना हो तो क्या होगा, क्या गर्म रहेगा, ड्राई डे रहेगा, ड्राई डे रहेगा हमेशा, ड्राई नाइट भी होगा। ड्राई डे सबको समझ आ रहा है ना, हमने ड्राई स्टेट साथ दे रहे हैं इन इंडिया। ऐसे कुछ इनोसेंट बॉयज गर्ल्स सॉरी, क्यों इनोसेंट है, बुरी बात है क्या? अच्छा इसलिए तुमने कहा? मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा ड्राई स्टेट में, तुमने लद्दाख इसलिए कहा कि वहाँ ठंड ज़्यादा है फिर कह रही अभी। ड्राई स्टेट का मतलब होता है ऐसे स्टेट जहाँ पे लीक फैन हो, है? ड्राई स्टेट इज पॉलिटिकल वर्ड टर्म। बिहार है, गुजरात है, ऑफिशियली कह रहा हूँ मैं। ब्लैक में तो फिर पता नहीं हैस ओपीएम सब हो रहा होता है यहाँ। एनीवेज चलो ये हो गया, इतना बताने की जरूरत है। जहाँ कहीं भी H2O की मात्रा होगा वहाँ पे बारिश हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव होते रहेंगे, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन तो वहीं होगा जहाँ पे वाटर वेपर होगा, बारिश वहीं होगा, क्लाउड वहीं बनेगा जहाँ पे वाटर वेपर होगा। मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज वट एवर यू ऑब्जर्व एंड फॉर दैट यू आर स्टडिंग दिस ज्योग्राफी द क्लाइमेट लॉज स्पेशली इज ऑल बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ वाटर वेपर। यू कैन नॉट इग्नोर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। आगे बढ़ता हूँ, तुम नोट कर चुके हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है वाटर वेपर। अभी आगे फिर से पढ़ेंगे हम लोग एज अ ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर, जलवाष्प, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोडक्शन। हो गया, बता चुका हूँ कैसे होता है दो स्टेप में। पहला स्टेप में ऑक्सीजन ब्रेक होगा, और दूसरे स्टेप में देखो समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप O2 था, यूवी रे आया, अलग कर दिया। तो आप लोगों के लाइफ में आते हैं, दो दोस्त अच्छे होते हैं, कोई तीसरा आता है, कान भरता है, लिफ्टिंग। उसके बाद पहले पिक्चर लेगा, शेप में क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग ऑक्सीजन O2 से मिलते हैं और क्या बनते हैं बताओ, कितने ऑक्सीजन रिएक्शन से एक ओजोन बनता है, ध्यान से देखो। ओवरऑल रिएक्शन 3 O2 यहाँ पढ़ो,
है कहीं? पैक कर दूं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस सनलाइट टू फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल। वैसे ये सब डेटा याद नहीं, समझ लो, दो स्टेप समझ लिया। अब केमिकल रिएक्शन समझ में आया तुम्हें? केमिकल रिएक्शन, हाउ ओजोन फॉर्म्ड, ठीक है इतना। क्या ना कुछ समझ में आ रहा है इसमें? क्या समझे बताओ? देखो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये क्या था? बादल डायरेक्ट पेनिट्रेट कर गया, यहाँ से आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। जब ये जा रहा है वापस लाल वाला, तो क्या हुआ? वापस कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक, सम पार्ट गोइंग आउट, सम गेटिंग। यहाँ पे ऐसे हो सकता है ट्रैप होके डिवीट हो सकता है, स्कैटर्ड हो सकता है। तो वाटर वेपर से ही क्लाउड बनता, अगर ना हो तो क्लाउड नहीं बनेगा। क्या हार्मफुल कौन से होते हैं? डिपेंड करता है कि किस पर्पज से पूछ रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो लकड़ी काटने जा रहे हो, विच वन इज हार्मफुल, तो बहुत कम शार्प हो या ज़्यादा शार्प हो, कौन होगा वो हार्मफुल होगा? अपने लिए चाय मांग रहे हो, बोलो, यूजफुल होगा ना। तो वही कह रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो कौन सा, कौन हार्मफुल होता है, डिपेंड आप पे करता है कि किस लिए पूछ रहे हो। कैंसर करवाना है तो ये हार्मफुल है। कैंसर किससे होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सिर्फ अल्ट्रावायलेट होता है। देखो, अल्ट्रावायलेट का मतलब पता है क्या होता है? तो नोट कर लो, कहीं मेरे से पूछना 5 मिनट बाद, टॉपिक आने वाला है। यहाँ तक हो गया? नाउ डस्ट पार्टिकल्स, अगर ये ना हो तो क्लाउड बनेगा, ना हो तो कंडेंसेशन होगा। ध्यान रखना, ये पानी चाहे कितना मर्जी ठंडा हो, ठीक है, जब तक हवा इस सरफेस को टच नहीं करेगी, इस पे पानी की बूंदे, ना क्लियर हुआ ना? जैसे कि तुम देखे होगे खेत यहाँ पे अपने ग्राउंड में, वो उसकी बूंदे देखते हो, जब तक ग्राउंड को टच ना करे हवा, तब तक वहाँ पे संघनन उसका नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, पानी की बूंदें नहीं बनेंगी, तरीके आकाश में नहीं बनेगी और बारिश नहीं होगा। तो आपसे कोई कहे जो डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में, दे आर रेलेवेंट और इरेलेवेंट, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल बेकार है, बहुत ज़रूरी है। ना हो तो बादल ही ना बने, अलग बात है कि हम कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर रहे हैं आजकल डस्ट पार्टिकल्स का, PM 2.5, PM 10 एंड सो ऑन। क्लियर? इतना हो चुका ये डस्ट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? एक वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा इस वर्ड को यूज करके, हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, एक बार पूछ लिया। बट कहने का मतलब क्या है? दोज स्मॉल टाइनी डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर विच हेल्प्स टू बाइंड द एयर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग वाटर वेपर टू फॉर्म क्लाउड, अल्टीमेटली दैट बिकम्स द रीजन फॉर द रेनफॉल। बात समझ में आई? अगर ये डस्ट पार्टिकल ना हो तो बारिश नहीं होगी, ये महत्वपूर्ण है। एक बार PT में क्वेश्चन आया था। डन, आगे नाइट्रोजन बताने की जरूरत है? नहीं है बताने की जरूरत, बताते हैं। अच्छा, उन पौधों को देखा है जो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं? वेरी गुड। हेलो, ड्रैगन फ्लावर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, कहाँ मिलता है?
इंडोनेशिया, ओनली वन कंट्री। इंडोनेशिया में कहाँ? नो गलत, सुमात्रा आइलैंड। एनीवेज वो आएगा, मैं मेरी क्लास में आगे, बहुत आगे नहीं, शायद इन्वायरमेंट में आता है वो, आएगा। एनीवेज ये बात समझ में आ गई? तो जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे होते हैं, क्यों खाते हैं कीड़े मकोड़े, जरूरत क्या है? सबकी तरह वो भी रहते सीधे, जैसे कि सोमालिया वाले ज़्यादा समुद्री लुटेरे क्यों हैं? क्यों बुरे हैं? भोजन नहीं है तो उनको ईजीएस्ट लगता है, वो करते हैं। इसका मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लाइक एज ए वर्ल्ड सिटीजन वी शुड थिंक अबाउट देम, सपोर्ट देम। तो 3 करोड़ जनता वहाँ भूखे मर रही है, भूखे मरने से अच्छा है ना, जैसे तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, मान लो जंगल में छोड़ दिए गए हो, फल फूल कंदमूल कुछ है नहीं, जीने के लिए अंत में क्या करोगे? ये जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, हमारे लिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं आइलैंड्स वगैरह पे जहाँ नहीं होती कि फूड पे डिपेंड रहना है, वहाँ पे जाके लेक्चर दोगे सर फड़वा क्या हो गया अपना, तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। वापस आते हैं नाइट्रोजन पे, तो वो पेड़ पौधे क्यों खाते होंगे कीड़े मकौड़ों को, उनके अंदर वो गुण कहाँ से डेवलप होता होगा? एवरीथिंग डिसाइड्स बाई डिसाइडेड बाई ज्योग्राफी। बात समझ में आना? हर चीज़, इवन कि तुम्हारा कलर भी। ठीक है, वो बाद में फिर करेंगे डिस्कशन बाद में। ये बताना, तो फिर वो कीड़े मकोड़े क्यों खाते होंगे? व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, विच न्यूट्रिएंट इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आर ह्यूमन बॉडी और एनी एनिमल बॉडीज और प्लांट बॉडी? इज नाइट्रोजन। वो ना हो तो तुम्हें घाव होंगे, वो जल्दी रिकवर नहीं होगा। हालांकि उसमें और भी हैं फैक्टर, बट नाइट्रोजन इज द मेन फैक्टर। तो बताओ जनरली नाइट्रोजन कहाँ पे होता है? अपर सॉयल, लोअर सॉयल? अपर पार्ट पे। अगर जहाँ भी सॉयल का अपर पार्ट रिमूव हो जाए, नाइट्रोजन फिनिश, ऐसे केसेस में वहाँ के जो जीव जीव हमारा एनिमल तो दौड़ के कहीं खा लेगा, प्लांट बैठा रहेगा वहीं पे, नाइट्रोजन की कमी है। और बताओ इंसान या कीड़े मकोड़े जब सड़ते गलते हैं तो उनमें नाइट्रोजन मात्रा है कि नहीं, हमारे बॉडी में नाइट्रोजन है कि नहीं? बहुत मात्रा में। यदि ये पौधे उनको खा ले तो आप देखो, तुम यूपीएससी का बहुत ही अच्छा आंसर कर सकते हो, मेंस में पूछे, इंटरव्यू में या प्रीलिम्स में। जनरली ये वहाँ होंगे जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, और नाइट्रोजन की मात्रा कम तो ऐसे इंडिया में हर जगह है, लेकिन जहाँ पे एक्सेसिव कम होगा, और एक्सेसिव कम होने का मतलब ऐसा है कि उसका स्लोप समथिंग लाइक दिस, नॉट इक प्लेन, प्लेन होगा तो वहाँ पे पत्ते गिरेंगे, गाय भैंस सांप जानवर मरते रहेंगे, और नाइट्रोजन का मात्रा उनको मिलता रहेगा कहीं ना कहीं, या रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे हुआ स्लोप में तो सब लीचिंग आउट हो गया उसका, पूरा का पूरा अपर सॉयल गए, न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे, और यहाँ पे कोई अगर एक खड़ा हो गया जरा, ऐसे केसेस में उसको खाने के लिए कुछ चाहिए जीवन में, समय के साथ उसने डेवलप के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जो आया उसको पकड़ो कर लो। आप समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ आया ना? बस मेरा ही काम था, आगे बढ़ता हूँ। नाइट्रोजन समझ में आ गया, तो बाकी तो पता ही है कि जो नाइट्रोजन हमारा ऑलरेडी एटमोसफियर में है वो अप्रक्रियाशील है, नॉन रिएक्टिव है, एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, वी वॉन्ट क्या रिएक्टिव जिसको यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फिक्सेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसके अलग अलग मैकेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन साइकिल में आपको पढ़ना है गवर्नमेंट एंड इकोलॉजी में। आज का होमवर्क लिख लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन्वायरमेंट पढ़ते चलो, नाइट्रोजन साइकिल दोनों। नाम नहीं सुना? अच्छा, ये एग्जांपल दे रहा है, ऐसे तो कितने सारे हैं जो खाते हैं। नाम क्यों ले? हम तो समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन जहाँ कम होगा वहाँ पे वो प्लांट होंगे, वो प्लांट वहाँ पे क्यों होगा, नाइट्रोजन कम क्यों होगा, क्योंकि स्लोप पे होगा। ये मेंस हो गया बेसिक, वो तो एग्जाम्पल, एक तो से हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, नॉट वन, व्हाई शुड आई जस्ट गो वन, आई एम हैविंग थाउजेंड्स। एंड आर्गन क्या परसेंट है? 93।
कहाँ यूज करते हैं इसको? घर बनाने में? अगर ये पूछोगे ना कि बता दो, तो फिर कल से ग्लोब के साथ साथ एक डंडे भी लेकर आना, है ना? किसी को प्रसाद चाहिए? अच्छा, देखो यहाँ पे एक वर्ड है, ओपेक। तो क्या मतलब हुआ? तो ओपेक कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्रीन हाउस गैसेस ना, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? जो गैस हीट ट्रैप करती है। और एक होता है हीट को ट्रैप करना, एक होता है हीट को एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्प्शन भी करते हैं अपने अंदर, भी गर्म हो जाएंगे, और ट्रैप भी कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट बैक भी कर देते हैं। ऑल दीज क्वालिटीज आर फाउंड इन ग्रीन हाउस गैसेज। अब कम वक्त इस ग्रीन हाउस गैस को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? हाउस फ्री कहते हैं, हाउस जैसा बना रख दीजिए, हाउस को रखिए। ये बताइए, मान लीजिए कि आपको भेज दिया गया लेह लद्दाख रहने के लिए, लेह लद्दाख छोड़ो, सियाचिन ग्लेशियर भेज दिया हमने, सुनो ध्यान से, वहाँ पे रहने को कहा जाए, और आपने क्लास में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब बताओ वहाँ पे तुम्हें खुश रहना हो, तो इतनी ठंड की मार से बचनी हो, क्या करोगे? क्या इग्लू? क्या नहीं समझा? इग्नू में रहोगे? चलो तो इन्फॉर्मेशन है, बढ़िया है वहाँ सियाचिन ग्लेशियर में। चलो तुम बताओ कैसे रहोगे, सुनो ध्यान से, पीछा कर लेना तुम, वास्को डी गामा की तरह आप कैसे रहोगे? वेरी गुड, बस इतना काफ़ी था, इतना काफ़ी है। कहीं भी, जैसे उन्होंने कांच शब्द का प्रयोग किया, कांच का मतलब क्या होता है? जो सन की इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होते हैं उनको पार तो करने देता है अपने से, लेकिन जो अंदर से गर्म होने के बाद बाहर नहीं जाने देता है। पहली चीज, जब उतनी ऊंचाई पर रहना है आपको, और इतने चिल्ड में तो ठंड में मर जाओगे, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे किसान ने समय के साथ डेवलप किया अलग अलग मटीरियल्स, ने क्या डेवलप किया? एक ग्लास, आपने भी यूज किया ना, जो क्या नाम बताया अभी, लाइक पॉलीथीन बैग्स, तो लेटर फेज का है। तो पहले ग्लास की हम बात करते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल आपसे रूट इंटरव्यू में क्वेश्चन, रोड पे गर्मी के दिनों में गाड़ी में अचानक से कभी कभी आग लग जाती है, कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो पूछना चाहते हैं ग्लास की क्वालिटी। आप समझ में आए, क्या आंसर करोगे? ग्लास जो है लगातार हीटअप होता जा रहा है, हीट ट्रैप हो रहा है उसमें। अगर इतना समझ लो कि किसी के बच्चे को तुमने रख दिया 4 घंटे के लिए, तुम शॉपिंग मॉल चले गए, वो बच्चा वैसे ही मर सकता है। आग तो लगे ना लगे, अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा गायब हो जाएगी, बिल्कुल हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया इतना? ये कार में जब बैठते हो बाहर से ज़्यादा गर्मी लगता है अंदर, तो एसी लगाना जरूरी होता है, या तो ओपन करो उसको। इतना क्लियर हुआ हमारा? कांच की एक ऐसी क्वालिटी है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जाने देता है, लेकिन जब वो गर्म होकर वापस बाहर निकलनी चाहिए नहीं जाने देता है। और जो हम अपनी ऊंचाई पे जो हाउस बनाते थे पहले, ये सब तो एग्रीकल्चर बाद में आया कॉन्सेप्ट, पहले तो कुछ लोग रहे होंगे जहाँ तहाँ, जीने वाली बात है। तो अपने घर में जो सन फेसिंग दीवार है वहाँ क्या लगा दिया हमने? ग्रीन
वहां से आया हीट एनर्जी अंदर, हर गर्म, जैसे कि अभी भी जाओगे साइबेरिया में, वहाँ पे क्या स्थिति है, पूरा चिल रहता है, -50 -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसे में लोग जी नहीं। क्या करते हैं, हाउस गैस का, ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाउस इज अ गुड वर्ड, नॉट बैड वर्ड। कोई चीज़ जब एक्सेस होता है तो बैड होता है ना, तो कांच की दीवार बना दी, दिन भर लाइट आया, गर्म हुआ, और वो हीट बाहर जाएगा नहीं, बिकॉज और ये हीट का भी और किसका, हमारा जो आउटगोइंग रेडिएशन है ट्रैप करके रखता है अंदर। इतना क्लियर है, साउंड को भी ट्रैप करता है कौन, ग्लास। जैसे कि हमें अगर क्लास में अगर सिंगिंग कंपटीशन कराना हो और बाहर वालों को पता ना चलने, तो यहाँ पे कौन से ग्लास चाहिए, बोल ग्लास का कर दो, दरवाजा लगा दो, मैंने कौन सा ग्लास बोल दिया क्या, कौन सा गेट बोलना था मुझे, ग्लास का, ठीक है, साउंड प्रूफ होता है, क्लियर है। वो हीट एनर्जी, आउट गोइंग साउंड, सबको क्या करता है, ट्रैप कर देता है। इस तरह से ऐसे जो घर बनते थे उसका नाम क्या हो गया, ग्रीन हाउस। क्या बोलते थे, ग्रीन हाउस। अब कुछ ऐसे गैसेज हैं जो ये कांच जरूरत नहीं है, इसी तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ग्रीन हाउस को ग्लास हाउस भी कहते हैं, याद रखना, कहीं गलती से ग्लास हाउस यूज कर ले तो समझ जाओ टॉकिंग अबाउट हाउस। तो अगर कांच न लगा हो, कांच की जगह पे कुछ ऐसे गैसेस हों, कांच के जैसा काम करते हों, इनकमिंग को तो आने दे रहे हैं और आउटगोइंग को नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे केस में फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल, हाउस में हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, हमारा ग्रीन हाउस गैस क्या क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। अभी बताओ, ग्रीन हाउस गैस ना होता हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में तो क्या होता, हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है आसपास, वही रहता है या कम होता है, ज़्यादा कम होता। और हमारे सर्वाइव करने के लिए जो अभी का टेम्परेचर है समवॉट अप्रोप्रिएट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, लेकिन इससे कम हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाए तो ही मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ, इतना। हाउएवर, अब यहाँ पे एक कंडीशन जुड़ता है, हालांकि, हालांकि जब इसकी मात्रा एक ज़्यादा होती है, टेम्परेचर को और बढ़ाएगी, टेम्परेचर को बढ़ने को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। बात समझ में आ गई सारी कुछ कहानी, मान लो तुम्हें हाउस के अंदर आओगे भी ना, अंदर नहीं रहोगे, टॉपिक रह जाओगे, डेवलप करने हैं, पाला मार दिया, सुने होगे, क्या रहे, बना रहे घर के अंदर, इसके लिए क्या है, क्या मिला, हाउस। नाम मैंने नहीं रखा था, फिलोसफी क्लास में मत जाओ, वैसे ही मजाक किया मैंने, नाम में वैसे कुछ नहीं रखा है, और वैसे जब तुम स्वभाव में जागृत हो ना, पहचान बता रहे हो, मैं शरीफ अंदर से हूँ, मेरा घर यहाँ, मैं करता हूँ, तुम्हारा क्या है, शारीरिक पहचान है, आत्मभाव में जागृत होते हो, आदत कर क्या शरीफ, हाँ ये नाम होता है, फर्स्ट टाइम सुना, मैंने सिर्फ फ्रूट्स का नाम सुना था। हाँ ये बात बोलो, धन्यवाद बोलो, ऐसे ही थैंक यू बोलो, हाँ गुड, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, डन। कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइफ दैट एंटायर लाइफ जस्ट बाय एटीट्यूड, अपने नज़र बदलाव करके अपना पूरा जीवन को आप बदल सकते। यस ऑफ कोर्स पॉसिबल, तो मैं तुम्हें डेमो देता हूँ एक, यानी इतना क्या,
ऑफ कोर्स अति सर्वत्र वर्जित, अति हो तो फिर वहां समाधान अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रदूषण बढ़ता का मतलब ये है कि हमारा एटमॉस्फेयर में, हमने बात किया था, एक अकाउंट में सारा वेरिएबल है, मतलब है कि हमारा जो ग्रीन गैसेज है वेरिएशन हो रहा है, इंक्लूडिंग CO चेंजेस हो गया। नाउ देखो ग्रीन, अच्छा मान लो दिल्ली में करना चाहो, करना कर सकते हो, उसमें बचेगा वो आग हाउस हो जाएगा वो। हाँ ठंड के मौसम में कर सकते हो, गलत बात है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं, आर्कटिक सर्कल कहो, नॉर्दर्न में तो हम भी हैं सब। डन, अभी तक किसी ने पूछा कि आने वाले को क्यों, आने वाले को क्यों रोक, वेट कर रहा था। चलो कोई नहीं, वापस आता हूँ मैं। क्या देखा यहाँ पे, ये कौन से हैं, लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर ऑलवेज शॉर्ट वेव, याद रहेगा। सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं, क्या होती हैं, लघु तरंग वाली होती हैं, लघु तरंग जो आती हैं वो लघु तरंग, वापस जाती हैं वो दीर्घ तरंग, इतना ध्यान रहेगा। धीरे धीरे करके आते हैं उस पॉइंट, लघु जो आता है जाता है वो तेरे सारा। अब ये देखो क्या है, दिस योर एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ, ज्यादातर क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है आने वाले टाइम में, हाउस गैस पार्टिकल्स। और करके देखो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अभी देखो कुछ ही ट्रैप हो रहा है, नीचे आ रहा है रिफ्लेक्ट बैक, लेकिन आने वाले टाइम में जब ग्रीन हाउस केसेस ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ज्यादा, ऐसे केसेस में ट्रैपिंग ज्यादा हो जाएगी तो हमारा टेम्परेचर, यही हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे कि जैसे जैसे आप अपने एग्जाम में लेट करते जाओगे, अगले साल का देख लूंगा, अगले साल का नंबर ऑफ विद्यार्थी है ना कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे यूपी बढ़ते बढ़ते इस बार 55 लाख हो गए थे। ये डिबेट आप लोग मेरे क्लास के बाद रख लेना, और क्या लड़ाई झगड़ा की, अगर डिबेट कर सकते हो अपनी बात तो कल 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 कंक्लूजन बता देना, क्यों पड़ेगा आप भी कर लेना, अपना ओपिनियन बता देना। चलो प्राइमरी GHG कौन कौन है, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। ना समझ तो घर समझ ले, ना सही है, हाउस तो है, अपने भी घर को ग्रीन हाउस बनाओ, पढ़ाई वाले घर को माँ को बनाओ, ट्रैप कर लो सारा इनकमिंग, इनकमिंग आने दो, देखिए जितना ज्ञान है चारों तरफ से, जाने किसी को, सच ये है कि आपकी ब्रेन की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी, अनंत बोलते क्लास में प्रूफ कराया था मैंने, क्या होता है वैसे ही आपकी अनंत है, देयर इज नो कभी, जरूरी टॉपिक चल रहा है इसलिए। अभी का जो देखो अगले 20 मिनट्स होगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपने मोबाइल यूज किया या सुनने की कोशिश, नहीं कभी कभी किसी,
लगे हुए एकदम आशीर्वाद हम। बत्तीस तारीख बढ़ा देना, 32 तारीख शुरू करें। अपना कैलेंडर बना लो, संभव हर चीज है। डन, क्या लिखा है ऊपर? क्या मतलब हुआ? सिर्फ वाटर वेपर है जो इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को एब्जॉर्ब करता है और दोनों से गर्म हो जाता है, और इसलिए जहाँ कहीं भी होता है, जैसे एग्जांपल लो, गर्म पानी कर रहे हो, गर्म पानी में एक बार हाथ चला जाए, उंगली चलता है, दूसरा उसके वाष्प पे चला जाए हाथ, ज़्यादा कौन जलता है? आप बात समझ में आई? उसमें होता है लेटेंट हीट, छिपा हुआ, वो हम पढ़ाएंगे 3 दिन के बाद। गुप्त ऊष्मा, एक तो ऊष्मा जो है, जैसे पानी कितने बॉयल होता है, मैक्सिमम 100 पे होता है, तो उसका वाष्प बना है बाहर, का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होता है। वैसे मापोगे अगर तो 100 ही आएगा, लेकिन उसमें कुछ छिपी ऊर्जा होती है, मैं बताऊँगा कैसे। रोटी से वाप निकलता, देखा, हाँ जल जाता है कई बार, तो ध्यान रखना वाष्प पे ऊर्जा के लिए, ग्रीन हाउस गैस इसी तरह गर्म हो जाता है कि सबको एब्जॉर्ब कर ले, इसकी ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्वेशन नहीं एब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, हो जाता है, ठीक है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ये एक टॉपिक मैं ना भी पढ़ाता काम चल जाता, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर में यूवी रेज भी हैं, इंफ्रारेड भी हैं, रेडियो वेव भी है, चूँकि आगे मैं डिस्कस करूँगा आयन मंडल में रेडियो वेव से कम्युनिकेशन कैसे होता है। आगे आप साइंस टेक पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे कि हम इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, टेलीविज़न कैसे चलाते हैं, ऐसे केसेज में इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस रेडिएशंस आपको प्रॉब्लम होगी, और जो आप देख पा रहे हो मुझे या मैं आपको या कुछ पढ़ पा रहे हो, किसी वजह से विजिबल, और कितने हैं विजिबल लाइट्स, बस इंद्रधनुष में कितने हैं, वही हैं विजिबल लाइट। वैसे तो हैं बहुत सारे, लेकिन हमें दिखते कितने हैं, 7, एंड दैट्स व्हाई वी रिकॉग्नाइज ओनली 7 विजिबल लाइट्स। इसकी एक खास बात है, जैसे कि अभी जो आप लाइट देख रहे हो सब कंबाइन है आपस में, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दैट, बट द मोमेंट व्हेन यू पास दिस लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि अपने अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से बढ़ जाते हैं। ये बात समझ में आई? वो कैसे, एस समथिंग का, एक सेकेंड ऐसा है तो मैं जरा नीचे वेट करो, रंग कलर टेम्परेचर वो गलत होने की संभावना मेरे को कम लग रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो है नासा की वेबसाइट का है, वहाँ क्या क्या भाई तुम सुधारो, कौन सी वेबसाइट से लिया तुमने, कहाँ परेशान पड़े हो, कलर का स्पेलिंग, प्रोग्राम पी आर ओ जी आर एम लिख रहे हैं कि पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई, मैं कह रहा हूँ अगले 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान जा रहा है, कलर कलर ब्लाइंडनेस कौन सा रोग होता है, बैटरी है कि नहीं, आओ ये समझो, विजिबल लाइट की बात करते हैं, जब हम लाइट को किसी डालते हैं, जैसा कि आइजैक न्यूटन ने कब किया था, 5 में क्या किए, क्या हो गए अलग अलग, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है, इसमें कलर उतना सही नहीं, वायलेट का है सबसे ज़्यादा डेविएशन, सबसे कम डेविएशन, बात समझ में आई, ये याद रखना, कम डेविएशन। एक कारण हो सकता है इसका कि हम लोग जहाँ भी डॉक्टर लिखते हैं या जो हमारा सिग्नल होता है वहाँ रेड का प्रयोग करते हैं, डेविएशन ज़्यादा, ये कारण हो सकता है, आपने कोई और कारण पढ़ा होगा, मैं वाला घुस नहीं रहा है, किससे कह रहा हूँ, कोई एक कारण हो सकता है क्या, डेविएशन ज़्यादा हो वहाँ पे, खतरे बढ़ सकते हैं, मे मिसगाइड योर सेल्फ दैट कि हाँ मैंने पानी के अंदर डाला, सीधा होना चाहिए था लेकिन तीसरा दिखता है, डेविएशन ज़्यादा, आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो
कर रहे हो, गलत ऑब्जर्व कर रहे हो, कम डेविएट होगा, वो बेहतर मैसेज देगा आपको कि देखो डेविएशन क्या है, सबसे कम है। धीरे धीरे मैं बिल्डिंग कहते हैं ना, मैं हमें बनाना है यहाँ पे 10 तला बिल्डिंग, मैं शुरू कर रहा हूँ पता क्या, न्यू। ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग कर लो, ध्यान से कोई मिस नहीं होना चाहिए। बाय। वापस, ये क्या है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। सब लोग ध्यान से देखो, अगर अगले 10 मिनट गैप हो गया तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा, और ये 10 मिनट समझ में आएगा तो आगे देखना तुम सैकड़ों क्वेश्चन कर सकोगे। चलो, विजिबल लाइट, आइजक न्यूटन 1665, क्या करता है, एक्सपेरिमेंट क्या करता है, जब प्रिज्म को जाता है तो कैसा दिखता है वो, या तो अलग अलग हो गए। ये कौन सा है, सबसे कम डेविएशन, सबसे ज़्यादा वायलेट डेविएशन। एक चीज़ समझ में आई, नोट कर लो इसको, फास्ट हो गया। अभी आएंगे हम लोग वेवलेंथ पे, कितना होता है विजिबल लाइट का वेवलेंथ, 382 नैनोमीटर। इतना ध्यान रखोगे, मैं तुमसे रेड का कौन सा होगा, वायलेट और रेड दो ही होंगे एक्सट्रीम पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका आंसर करो, गलत सही डजन मैटर, अपना कुछ लॉजिक डेवलप होगा तुम्हारा, अगले 10 मिनट में लाइफ में तुम कभी गलत नहीं करोगे 10 मिनट के बाद। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, क्लियर है। वापस आओ, एंगस्ट्रॉम दूसरा यूनिट उसको बोलते हैं, डाइन होता है, टन होता है। टीम हो गया, ये सबसे लंबा किसका वेवलेंथ, अभी से 382 700 है, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बताने जा रहा हूँ, उसके बाद गलती नहीं करूँ। हो गया इतना, ये भी हो गया। बातें कम ज़्यादा, अगले 10 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मजाक भी नहीं और फालतू क्वेश्चन भी नहीं। देखो वैसे मैं सिर्फ दो बातें बोल के आगे बढ़ सकता था, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूँ, उन पर याद रहे। मान लो आप लोग कैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, वाई इज इक्वल टू कहता एक्स एस स्क्वायर कह दिया, क्या मतलब होता है इसका, का मतलब ये हो सकता है ना कि अगर एक्स की वैल्यू एक है, वाई एक तो है, तो का मतलब कि डायरेक्टली मतलब एक्स बढ़ता है तो वाई बढ़ता है, ऐसा कर दिया तो मैंने माई वाई इज इक्वल टू बी बाई एक्स। अब बी की वैल्यू बढ़ाओगे, वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो सबको इतना पता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू 4 कर दिया, का 4 हिस्सा हो गया ना वाई के बराबर, की बात समझ में आई। ऐसे ही एक फॉर्मूला है, कैपलर्स ने दिया था इक्वल टू एच सी अपॉन लैम, ध्यान से, प्लैंक्स ने दिया था, प्लैंक्स ने, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या होता है फॉर्मूला में, बात समझ में आती है, वैसे मैथ्स की पार्ट है मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये हों, सिर्फ ध्यान सुनना, इनके पास कितने हैं 10 रुपये। अब मैं इनको जैसे जैसे रुपये देता जाऊँगा ये पैसे बढ़ते जाएंगे, और लेता जाऊँगा तो घटते जाएंगे, लेकिन जो इनका था इन्हीं के पास है, इनके पास कांस्टेंट है ना, पहले इसे ऐड कर लिया हमने ना, 5 होना, इसको छोड़ दो, हटाओ। ये क्या है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ये बात समझ में आई। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ क्या होता है, मान लो हमने ये वेव बनाया, वेवलेंथ कौन सा है इसमें,
कोई भी पॉइंट ले लो, ये इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो ऐसे जाएगा, और जिसका कम होगा वो समथिंग ऐसे जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताया था क्लास में, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी है, 24 घंटे में एक बार वैसे अप डाउन होने की उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गया एक कंप्लीट करने में। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, जिसका बड़ा वेवलेंथ होता है उसका ज़्यादा है ना, बार बार हो रहा है ये। तो मतलब है कि आपस में जो फ्रीक्वेंसी होगा और वेवलेंथ होगा वर्स होंगे, का वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा वेवलेंथ उसका, की बात समझ में आ रही है? यहाँ समझ में आ रही है? देखो तो बताओ लैम्डा और एनर्जी में क्या रिलेशन है? मैं बोल सकता हूँ एच सी एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? अब सिंपल बताओ, जिसका भी वेवलेंथ ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा या कम? ना क्लियर? अब तुम बताओ, ध्यान रखना, जिसका वेवलेंथ ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ऊर्जा क्या आ रहा है दिमाग में? तो जो ऐसे जा रहा होगा क्या भी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ही, और जो ऐसे जा रहा होगा ऊर्जा कम, फ्रीक्वेंसी कम। इसी बात समझ में आ रही है? बताओ कौन ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा? ये ध्यान सुनो, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस डस्ट पार्टिकल सब। वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मीडियम से मतलब नहीं है, बताया था ना दो तरह के वेव्स होते हैं, मैकेनिकल एंड। तो ऐसा नहीं कि जो अभी पढ़ रहे हो तो पूछा लग भूल जाओ। ऊर्जा ज़्यादा, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं, ऊर्जा ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ। अब बताओ रेड का वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी? एनर्जी बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा वापस एक बार वापस दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा है, स्टार्ट करो। सनलाइट आती है, सनराइज में सब कुछ होगा, तो दिखता कौन है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, विजिबल स्पेक्ट्रम। की बात समझ में आई? है सारा, दिख कौन रहा है, सात रंग वाला, क्लियर इतना? अब वापस गौर करो, इसमें सबसे इधर क्या है, वेवलेंथ बड़ा है, इधर क्या है, वेवलेंथ बड़ा है, इधर क्या है, वेवलेंथ छोटा है, तो रेड की तरफ वेवलेंथ रहेगा, क्या ज्यादा या कम, क्या क्या होगा कम। और गौर करो, जैसे जैसे रेड से बढ़ते 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 वायलेट आ गए, ऊर्जा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ वापस, रेड वेवलेंथ ज्यादा, ऊर्जा कम, फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा एक साथ चलेगा, वेवलेंथ उसका अपोजिट चलेगा। कोई भी माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वापस कोशिश करके यहाँ आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। रेड वेवलेंथ ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी, वायलेट की तरफ आए ऊर्जा बढ़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ी वेवलेंथ, की बात समझ में आई? और जब तुम वायलेट के बियॉन्ड जाते हो बोलते हैं अल्ट्रा, क्या बोलते हैं, कहते हैं ना एक्सेल डबल एक्सेल अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब जो वायलेट के बियॉन्ड, तो क्या बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, ऑल आर अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे गामा रे बीटा रे। बात समझ में आई? कि यूवी रेज का मतलब ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर, अब बात समझ में आ गई? पर विजिबल लाइट के बियॉन्ड सब क्या है, अल्ट्रा, और उनमें ऊर्जा ज्यादा या कम,
बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा, बात समझ में। अब इस तरह सोचना का वेव लेंथ ज़्यादा हो, फ्रिक्वेंस ट्रेवल ज़्यादा करेगा या कम? तो एनर्जी तब चाहिए होता है जब मीडियम, एनर्जी से क्या मतलब है रुकावट पैदा करने की, सोचो रहा लॉजिकली, वेट सोचो, फिर से वापस माइंड लेकर के आओ, चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ज़्यादा दूर ट्रैवल कौन करेगा का वेवलेंथ, बात समझ में, का वेवलेंथ क्या ज़्यादा भी है तो खर्च भी तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो खर्च भी, और जो आराम से जाएगा बहुत दूर तक, वायलेट वर्सेस रेड, ज़्यादा दूर तक वेवलेंथ बड़ा है या कम है तो खतरनाक भी, कम है या कम है तो खतरनाक भी, कम है सेवल ज़्यादा। अब बताओ लाइट में हायर एनर्जी रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा, या बहुत ज़्यादा ट्रेवल कम, दे आर ट्रैप्ड इन द ओजोन लेयर, यू आर सेफ नाउ। रेड वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा, इसलिए क्या करते हो हर सिंबल जो डॉट होता है डेंजर वाला क्या लगा देते हो रेड, क्यों? दूर से ही दिख जाए, वायलेट दिखेगा दूर से और डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ में आएगा तुम्हें। रेड डेंजर का साइन इसलिए ही यूज करते हैं क्योंकि वो वेवलेंथ उसका बड़ा है, ये आंसर कह दो, या ये कह दो कि उसको देख सकते हैं, तीसरा कह सकते हो उसमें ऊर्जा कम होती है, कई सारे कारण, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। माँ फिर आके यूपीएससी स्टेटमेंट देगा, बना सकते हो ना? और बताओ सुबह सुबह जब सूर्य देखते हो लाल, फिर सनसेट होता है क्या बोलते हैं लाल, क्या ज़्यादा है कम? कम, बात समझ में आएगा। आगे दोबारा से आऊँगा, पहले मुझे ये बता दो चलो, मान लो कि मैंने ये एक चार्ट बनाया, यहाँ पे लिखा एनर्जी बढ़ रहा है तरफ, बताना तरफ क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ध्यान से, अगर मुझे यहाँ लैम्डा लिखना हो तो क्या करूँ, साइन, साइन उल्टा हो जाएगा ना, सर बढ़ोगे तो जैसे से ऊर्जा बढ़ेगा वेवलेंथ, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला बताना हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इधर या इधर, ये ना जैसे से ऊर्जा कम होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़्यादा, आपस में डायरेक्टली पूछ रहा, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगा कलर जो है वायलेट से रेड की तरफ जाएगा या रेड से वायलेट की तरफ, रेड से वायलेट की तरफ, चारों कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा, ये क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर तुमने ये वाली प्रैक्टिस कर ली कभी गलत मतलब दिमाग में रहा कम सैकड़ों क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, तो आंसर मैं खुद कराता हूँ अभी क्लास में, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम टेलीस्कोप से, हबल टेलीस्कोप हमारे पास है ना, देखते हैं तारों को, तो तारा रेड दिखे क्या मतलब है उसमें ऊर्जा ज़्यादा या कम, क्या कम है इसका मतलब वो मरने वाला है या अभी पैदा हो रहा है, पैदा होते हुए बहुत ब्राइट होता है वो, मरने वाला है, देख रहे हो बात मेरी, सिर्फ कलर देख के तुम क्या बता रहे हो व्हाट इज द स्टेटस, पुराना है नया है बूढ़ा है जवान है, चेहरे की चमक देख के पकड़ते लोग ना कई बार, काम करने वाले हो कि हिटलर भी देखता था तो ये हट्टा कट्टा दिखे तुम्हारी तरह काम पे ले गए, मेरी तरह दिखे पतले दुबले गैस में डाल के जाग ला दिया, बात समझ में आई, ध्यान रहेगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सही है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर सकता हूँ,
हो गया, आंसर दीजिए। वापस आऊँगा दोबारा से, आपके पास एक क्वेश्चन है। अभी तो रहने दो, मैं मान लो सूरज का टेम्परेचर कितना होता है सन का? ये सूरज का अलग अलग बनाया है दिखाने की कोशिश करो, इसका टेम्परेचर कितना है? मान लो 3000 डिग्री से कितना है, 5000 मान लिया, इसका मान लिया 12000। जिससे पूछूंगा वही आंसर करेंगे, आप ही आंसर करोगे, मोबाइल आप यूज कर रहे हो, फिर ध्यान दो। क्या सर? डेटा का आंसर करो। देखो ये है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूरज का, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, मैं 3 कलर कोडिंग कर रहा हूँ, एक है रेड, एक येलो, एक है वायलेट। क्या बताओ? वन है ए, मिलान करो, आप ही करोगे अगर बता दोगे, बोलने का नहीं कि आपका डेवलपमेंटल से ये भी जान रहे हूँ, भी कोशिश करो, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं पूछने वाला मैं। का आंसर नहीं करो मतलब तुमने समझाई नहीं है, मेरा 10 मिनट बेकार हो गया तुम्हारे, और मोबाइल देखना मैंने सही पकड़ा। आपको लगता है कि छोटी सी बात है, देख रहा हूँ नॉट, पढ़ाई करना बहुत अपने में माइंड को चौथे अवस्था में, आगरा अवस्था में पूरा खो जाना चाहिए उसमें। भले कि गलत मैं बताऊँ, आप बताइए मन कभी, ये तो है निश्चित यार, क्या होगा? आप एक्सप्लेन करो क्यों, हाँ एनर्जी बढ़ेगी तो जैसे हम रेड से लेके वायलेट तक अरेंज कर रहे हैं, तो रेड का सबसे कम, वायलेट का ऊर्जा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी? 12000 है, कहाँ जाएगा? वायलेट के पास। और जो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम रेड हो जाएगा, बाकी बीच में जो ऑप्शन है सही। और किसको समझ में आया? इतना बड़ा घाटा हो गया तुम्हें, एक स्क्रीन ने हमारा पूरा मैं डुबो दिया। 12 के पीछे वाला देखो मैंने क्या बताया, ये तब से क्या कर रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, अलग अलग बता रहा हूँ बार बार। किससे बता रहा था? किसी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर सको। जैसे जैसे लाल से हम लोग वायलेट की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्जा बढ़ती है घटती है? हाँ समझ में आ गया, टेम्परेचर ज़्यादा। तो आपसे ऐसी इमेजिनरी क्वेश्चन कर दे कि मान लो कि 16000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूर्य का कैसा दिखेगा, कैसा वायलेट दिखेगा, ठीक है ना? और ऊर्जा कम होगा तो रेड दिखेगा। लाल कहते ना वो, एक होता है लाली माना, वो अलग होता है, होता है जरा लाल पड़ जाना, मतलब डाउन हो चुका है, नर्वस हो चुके हो, अब निपटने वाले हो, मतलब जिस भी कंपटीशन में वहाँ से लाल नहीं होने का। अब गैस कटर देखा है, गैस सिलेंडर कम होता जाता रेड हो जाएगा, जब बुझने वाला होता है तो बिल्कुल बेचारा। गैस कटर भी देखा होगा। अब सुनो, अगर तुमसे पूछ दे क्वेश्चन, लाइटनिंग हो रही हो, बिजली कड़कती है, बिजली कड़क में तुम्हें दिख रहा है मान लो रेड सा, मतलब वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा पैदा हुआ कम, और वायलेट सा दिखे तो वहाँ पे खतरा। बात समझ में आई? और दिख पहले जाता है गिरता बाद में है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है। और तो और आप चाहोगे जैसे
टाइम नहीं अपने पास, बाइलिंगुअल क्लास है, अदरवाइज यू कैलकुलेटेड राइट नाउ बैठे बैठे समय देखो बता दो कितने, हालांकि उतनी देर में गिर जाएगा वो क्वेश्चन आ सकता है। चलो ये नोट कर लो, नहीं तो हम लोग बात ही करते रह जाएंगे। अब बताओ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कलर रेड से क्या हो गया, वायलेट की तरफ जाएगा, उसके बियॉन्ड अल्ट्रा जो हम देख नहीं सकते। यहाँ तक हो गया ना, समझ में आया था पॉइंट? पढ़ रहे हो क्या? दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम क्या है? कल मैं दोबारा से पूछूंगा नए एग्जाम्पल के माध्यम से, जिसमें मेरा मकसद होगा पूछने का डिस्टेंस, कलर और एनर्जी फ्रिक्वेंसी। वेट, क्या बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये हो गया ना, ये भी ले लो। हाँ बोलो, आप जब बढ़ या घट नहीं जाएगी जा रही, तुम कम कर रहे हो, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। मिक्स समझ में आ गया ना? तो कई सारे चीज आपस में, वेरी नॉट बहुत। टीम रेड हो जाता है, इतना काफी है समझ में। अब देखो, अब हम विजिबल रेज से बाहर निकलते हैं, ये थोड़ा और डीप में जाएं। अच्छा तुमने बताया अभी कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है ऊर्जा पे डिपेंड करता है, ज्यादा ऊर्जा तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा ऊर्जा तो क्या मतलब? ये है कि जब तुम सेटेलाइट साइंस से पढ़े होगे तो अलग अलग ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई, जियो स्टेशनरी। जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं, टेलीविजन वाले सेटेलाइट होते हैं, कहाँ होते हैं? जियो स्टेशनरी में, काफ़ी ऊंचाई पे। कितना ऊंचाई पे? लगभग 36,000 या 35,887, 787 किलोमीटर ऊंचाई पे, लगभग 35-36,000 होता है। इतना दूर तक क्या रेडियो कम्युनिकेशन काम करता है? करता है क्या? कम्युनिकेशन मैक्सिमम करता है आयन मंडल तक। कहाँ? आयनोस्फीयर तक, थर्मोस्फीयर तक, उसके ऊपर नहीं। इसका मतलब किसी भी जिसका कम ऊर्जा होगा, वेवलेंथ उससे बड़ा होगा, वो उतना दूर तक जाएगा, क्या है? ब्रॉडकास्ट पे। इसके बाद क्या है? रेडियो। अभी आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछा था ये। इसके बाद क्या है? रडार। इसके बाद क्या है? माइक्रो। इसके बाद इंफ्रा, मतलब देखो इंफ्रा रेड से पहले, इंफीरियर रेड से इंफीरियर, इंफ्रा रेड, तब आ गया विजिबल लाइट। अब चूंकि वायलेट लास्ट में है तो अल्ट्रा वायलेट, तो ये आई आर क्यू बोलते हैं और ये यू वी क्यू बोलते हैं, समझ में आया? ये रेड से भी इंफीरियर है इंफ्रा, वायलेट के भी अल्ट्रा है, बाह बियॉन्ड है तो अल्ट्रा वायलेट। ठीक है इतनी बात। उसके बाद क्या है? एक्सरे, गामा, कॉस्मिक रेज, कई सारे हैं और। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आएगा आपका, अरेंज द फॉलोइंग, ऐसे नहीं लिखा रहेगा वो, एक लाइन लिखा रहेगा, पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेवलेंथ। बता सकते हो? अगर ये बता सकते हो, कह रहा हूँ कि हजारों क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वेट, हमने क्या पढ़ा अभी? विजिबल लाइट। लेकिन और भी हमारे वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि विजिबल से पहले कौन सा है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, अब ये बताना है हमसे, अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते, नाइट विजन कैमरा देखे हो, इंफ्रारेड होता है वो। अच्छा जब लगाओगे तो आदमी दिखता है या लाल लाल दिखता है? लाल क्यों दिखता है? हीट को सिंबलाइज करता है और इन्फीरियर टू रेड है, इंफ्रा रेड, रेड से थोड़ा क्या कम ऊर्जा और वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, डिस्टेंस
ऊर्जा फ्रिक्वेंसी साथ चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट से ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करता है? इंफ्रा रेड। अब इंफ्रा रेड से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन करता होगा? माइक्रोवेव्स। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना साइंस में। और माइक्रोवेव से ज़्यादा कौन सा? अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई एटम बॉम्ब फेंकने वाला हो, कोई मिसाइल फेंकने वाला हो, तो हमारा रडार काम करता है ना, रडार में रडार वाला वेव्स होता है यूज़ करते हैं, तो कि सिर्फ यहीं तक नहीं थोड़ा ज़्यादा दूरी तक जा कर के हमें बता सकता है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है कि नहीं, रडार वेव्स। के बाद क्या है कि कहाँ पर आ गया ये, और ऊपर आयनोस्फीयर तक चले गए हम लोग। आयनोस्फीयर पता है ना, लगभग 480 के आसपास किलोमीटर ऊंचाई पे। अब आयनोस्फीयर पे तुम्हें पता है ऑलरेडी जो हमारे यहाँ से रेडियो तरंगे जाती हैं वहाँ से टकरा करके वापस आ जाती हैं और अपना कम्युनिकेशन लूज करती हैं। इसीलिए अगर आप चाहो अपना रेडियो बनाना, खुद का स्टेशन खोलना, थोड़ी सी जा करके ट्रेनिंग ले लो, नॉट टू लॉन्च एनी स्पेसिफिक सेटेलाइट फॉर द सेम, क्योंकि हमारा जो एटमोसफेयर है वो खुद ये काम कर देता है। आप छोटे मोटे 1-2 किलोमीटर के रेडियस में आराम से अपना रेडियो चैनल बना सकते हो, क्योंकि उसके लिए सेटेलाइट की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी के एटमोसफेयर में आओगे तो एक सर्टेन हाइट पे क्या है, आयनोस्फीयर, जिसमें आयन्स हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस, 1300, कभी कई बार 2000 डिग्री सेल्सियस। ऐसे केसेस में O2 नहीं रहेगा, O+ O- होगा। ये बात समझ में आ रही, जो भी गैसेस हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, गए टकरा के वापस आ गए, एक सर्टेन डिस्टेंस तो आ ही जाएंगे। अगर इसी में आपने अगर सेटेलाइट लॉन्च कर दिया, इस तरह से कुछ चाहोगे, यहाँ से यहाँ करना चाहोगे, यहाँ भेज दो, यहाँ भेजना चाहो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो BBC हैं, विविध भारती हैं, या गवर्नमेंट का जो हमारे रेडियो चैनल हैं, इन लोगों ने अपना स्पेसिफिक सेटेलाइट यूज कर लिया, जिसको लोकल करना है, जो सिर्फ दिल्ली में ही चलेगा, जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सर्विस देना है प्रॉपर तो आप यूज़ करो, अदरवाइज एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या समझाया कि उससे दूर तक कौन जाएगा, रडार से रेडियो, कहाँ तक, आयनोस्फीयर तक। लेकिन इससे भी ऊपर जाना हो आपको, ब्रॉडकास्ट वेव चाहिए होगा। बात समझ में आ गई? अगर खरीदने की जरूरत पड़ती तो मैं आपको सलाह देता कि अपना रेडियो स्टेशन खोलो, ये तो नेचुरल है। हाँ, वो आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है, जितना दूर जाओगे वैसे मैसेज कम होता जाएगा, मतलब खराब होता जाएगा, क्वालिटी खराब होती जाएगी, नज़दीक वाला साफ आता जाएगा। जाके आज गूगल कर लो, यूट्यूब, टाइम हो तो प्रैक्टिस कर लो, बट एग्ज़ाम की बात करना। मेरी बात समझ में आई? तो डिस्टेंस ट्रेवल ये वाला क्लियर रहेगा। कभी गलती कोई गुंजाइश कल फिर से पूछो। सब अलग अलग है, इंफ्रारेड एक है, विजिबल लाइट एक है, यूवीज एक है, इस तरह से माइक्रोवेव अलग है। देखो बना यहाँ पे एनर्जी ज्यादा, उधर शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर एनर्जी। इधर से जैसे उस तरफ जाओगे, ये कौन सा है, बड़ा वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, ऊर्जा भी कम है। का रिलेशन याद रखना, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ, फिर डिस्टेंस ट्रेवल यूं ही हो जाएगा। स्कूल में फेल होते तो रेड कलम लगता है, नौकरी से निकालते हैं तो रेड कलम साइन करते हैं, पता है क्यों? अब तुम हमसे जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो, नॉट कम बैक वंस अगेन। समझ में आया? तो भी रेड कलम लगा देता मैं, हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और ये चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग होती हैं। किसने दिया था ये लॉ फिजिक्स वाला, E=SC/λ? अब तुम बताओ खुद से ही, हमने कहा इनविजिबल, इनकमिंग रेडिएशन, आउटगोइंग रेडिएशन। जाओ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एनर्जी ज़्यादा या कम? हाँ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एनर्जी कम है, यूवी सब कुछ है उसमें ना, शॉर्ट वेव, वेव शॉर्ट है, मतलब वेव शॉर्ट वेव इसलिए नहीं है, एनर्जी ज़्यादा है। अब मान लो कि जैसे मैंने यहाँ से टॉर्च जलाई,
या जिससे मान लो धूप आ रहा है सन से, मैं बाहर खड़ा हूँ मेरा बॉडी गर्म हो जाएगा, मैंने टच किया तो मैं गर्मी महसूस होगी, लेकिन उतना होगी क्या जितना सूर्य को टच करने से होगा? कि ऊर्जा से मैं ऊर्जावान हुआ और मेरे ऊर्जा को तुम महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो कम है ना। ध्यान रखना जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, ये तो सर्वविदित है ना। अरे 10 बल्ब का एक लाइट लो, वॉट का एक 5 का ले लो, ज़्यादा ऊर्जा किस में होगी? 10 वाले में। सन की ऊर्जा, कमिंग सोलर रेडिएशन का ऊर्जा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होगा? अब हम कह सकते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर ऑफ शॉर्ट वेव, क्यों हो गया पता चल गया क्या? आउट गोइंग रेडिएशन ऊर्जा कम या ज्यादा, तो क्या बोलेंगे उसको? फिर से देखो आराम से, ये हो गया सन, यहाँ से आ रहा हूँ, ये है पृथ्वी, ये आया, इसमें एनर्जी ज़्यादा या कम? वेवलेंथ बोलूँगा, शॉर्ट वेव, कोई इश्यू? आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लिख दिया है कमिंग सोलर रेडिएशन आर शॉर्ट वेव। क्यों हुआ शॉर्ट वेव पता चल गया आपको? ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगा ऊपर, थोड़ा सा इसको डिम कर देते हैं लाइट, ऐसे का एनर्जी कम है ज़्यादा, तो वेवलेंथ बोल सकते लॉन्ग वेव हो गया, लॉन्ग वेव। व्हेन यू डिड्यूस योर सेल्फ कम टू द कंक्लूजन बाय अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली क्या कम हो गया, दैट्स व्हाई दे गेट ट्रैप्ड। क्या और वेवलेंथ ध्यान रखो, जो ऊर्जा है वही फ्रिक्वेंसी है। अब बताओ मान लो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तुम्हारे तक पहुंच गया, तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगा नहीं, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा किसका होगा, इनकमिंग का या आउटगोइंग का? ऊर्जा ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट में ऊर्जा ज्यादा, जब एनर्जी आएगा और तुम्हारे बॉडी में स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, राइट रॉन्ग रहेगा, किसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है? तो प्लीज अल्फा बीटा गामा, सबसे कम इंफ्रारेड माइक्रो, उससे आपको पता चल गया डेटा चार्ट, ठीक। अच्छा क्या होगा कि यूवी रेज से कैंसर होता है, कम पेनिट्रेट करता है, तो उससे क्या होगा? बायो स्टूडेंट हो, बायो स्टूडेंट हो, देखो रेज आए तक क्या है, पेनिट्रेटर ज़्यादा, अरे बॉडी की स्किन के अंदर क्या हो गया, वो पेनिट्रेट, हमारा बॉडी किससे बना है, सेल्स से, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से, सेल एक प्रॉपर रेंज ऑफ टेम्परेचर ऊर्जा में काम करते हैं, द मोमेंट इट एंटर्स व्हाट हैपेंस, जैसे ये उसको चार्ज करेगा कि नहीं, जब कोई पार्टिकल चार्ज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइज, जैसे ये नॉर्मल है अभी, अब बताओ चार्ज हो गया कि नहीं, क्या पता है ना किसी को, नाउ इट्स आयोनाइज, टू इज द केस विद आर बॉडी सेल्स एज वेल। कई बार क्या होता है कि आप बहुत आया अच्छी अच्छी बातें की, आप पूरा मोटिवेट, आप तो आईएस निकाल ही लेंगे, यू आर चार्ज दैट टाइम, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल है, मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, जो सेल्स तुम्हारे हैं ज़्यादा एनर्जी आते ही क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, वो बिहेवियर नॉर्मल करेंगे या नॉर्मल करेंगे, कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या हो गया, जब ये आयोनाइज हो जाता है तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता, इनका जनरेशन और डी जनरेशन का रेट चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, इसका जनरेशन एंड डी जनरेशन, मतलब बनने और मरने का, इसी को जब स्मॉल स्तर पे होता है तो कहते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, ये देखा होगा म्यूटेंट 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से बैठे बैठे स्विच ऑफ करना है, हाथ बढ़ाया लंबा हो गया बिकॉज ऑफ सेल्स, ऑफ कर दिया यहाँ से बैठे बैठे, वापस पानी पीना है, हाथ बढ़ाया ग्लास लंबा, समझा है, हाथ से एक्समैन है ना, हाथ से क्या निकल रहा है, मीन्स यू कैन एनी हाउ इलोंगेट, कम बेसी कर सकते हो किसको, सेल्स को, इफ इट इज अंडर कंट्रोल, इट इज लाइक अ बोन, हमारे बॉडी में सेल्स ग्रोथ जो है अपनी मर्जी से, हाथ लंबा हो जाए नीचे से फोटो उठा लो बिना झुके, कितनी अच्छी बात है, अपनी मर्जी से बढ़ाओ और घटा लो, सेल्स ही बनाए ना पूरा बॉडी, अनफॉर्चुनेटली अनकंट्रोल, और इसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन, इसलिए मूवी देखा होगा म्यूट,
यही म्यूटेशन एक लेवल के ऊपर चला जाता है, क्या बोलते हैं, कैंसर। तो आपने क्या देखा बताना, सबसे पहला केस में समझने के लिए यूवी रेज आया, पी रेज, क्या हुआ पेनिट्रेशन, फिर क्या हुआ आयोनाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ म्यूटेशन, और फाइनली क्या हो गया, ये प्रोसेस समझ में आई। अगर आपने इस स्टेज तक पकड़ लिया, वेरी इजी टू ट्रीट दैट। अब इसमें क्या होगा कि मान लो कि आपके ब्रेन के अंदर जो एक सेल है उसका साइज लेट से कोई छोटा सा मान लो कोई, अब वो अचानक से वो ग्रोथ तो उसका बढ़ एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाए, पता है ट्यूमर, तो क्या है वो म्यूटेंट हो गया, म्यूटेशन हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, अब वो स्पेस घिर रहा है, आपकी नस दब जाए थोड़ा सा ब्रेन में कहीं, पता ना क्या क्या हो सकता है, बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये चीज़? तो अब आएगा क्वेश्चन कि पेनिट्रेशन पावर ही पूछ सकता है, जैसे मैंने कहा अभी एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पेनिट्रेटिंग पावर, इसमें तीन एक साथ हैं, ये और ये, तो एक जैसे डायरेक्ट रिलेशन है आपस में, और ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रहेगा। अब वैसे ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछते कि ये बताओ जो सेटेलाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़्यादा, एनर्जी कम, इतने आराम से मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हो, तो क्या है कम, अदरवाइज दिमाग हैंग हो जाता ना, बस लोएस्ट एनर्जी है, कैन इजली कम्युनिकेट, यू आर कीपिंग इट विद यू, एट द सेम टाइम वी हैव पुट सर्टेन थिंग्स आर देयर इनसाइड दैट इट कैन कंट्रोल इट्स रेडिएशन एज वेल। आप समझ में आया कि क्यों करते हो? अगर यूवी रेस होता कम्युनिकेशन तो बात करते ऐसे, रेस होता तो फोन गर्म होता ज़्यादा या कम, बात समझ में आ रही है सर? कुछ क्यों ऐसा नॉर्मल हो रहा है? वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे पेशेंस से आज पढ़े हो क्लास में, ऐसे ही पेशेंस से पढ़ोगे तो मैं ज़्यादा बेहतर से समझा पाऊंगा और ज़्यादा बता पाऊंगा। कुछ नया मिला सीखने को? फिर मिलेगा अगली बार फिर से। थैंक यू सो मच। 12 बज गए, ठीक है, थैंक यू।